चैनल गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट, जो घर की कुछ चीजें खत्म हो गई है इसलिए, और फिर शाम को हम जाएंगे दीपशिखा ढाबा, जो अहमदाबाद की फेमस प्लेस है खाने के लिए। तो हम शाम को दीपशिखा ढाबा एक्सप्लोर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम डीमार्ट में आ चुके हैं। तो हमको नाश्ता लेना है और फिर ग्रोसरीज लेनी है, तो अभी चलो लेते हैं। क्या क्या लेना है नाश्ते में, वो बोल ये ले ले, ये नहीं वो ऊपर वाला, वो 54। हाँ भाई भाई बोलो, तेरे लिए बिस्किट लेना है। कौन सा कौन सा लेना है? पाले के ले ले। तुझे क्या खाना है, कुछ लेना है तुझे, क्या लेना है? तू कुछ खाती है? वो ले ले, तुझे जो लेना है वो ले। हेलो, क्या ये लेना है, कौन सा लेना है? ये वाला रख दे इसको। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना तो रोड पे इतनी ट्रैफिक होता है, लाल दरवाजा में भी इतना ट्रैफिक नहीं, इतना डीमार्ट में ट्रैफिक है। दर्शन मैगी लेनी है वहाँ पे चल। नहीं नहीं मैगी नहीं लेनी, फिर बिग बॉस के टाइम देखते समय मैगी बनाती है, फिर मैगी खाती है, खाना नहीं खाती है, इसलिए मैगी हम नहीं लेंगे। डीमार्ट आए कुछ लिया तो ये नहीं, पाँच छः चीज़ ली और मुझे डीमार्ट जाके ये लेना है वो लेना है, कुछ लिया तो नहीं। पाँच छः चीज ली तेरे हिसाब से, तूने ली जो रात को खाने के लिए। ऐसा नहीं है, जो मुझे चाहिए थी वो तो ले ली, बाकी अभी कहीं जाने वाले नहीं है, इधर से लेना है तो ले, नहीं कहीं पे यहाँ जाने वाला नहीं। हाँ ठीक है, पर वो ले ली है हम। और तू पैसे दे दे, तेरी चीज है, मेरी कोई चीज नहीं है इसमें। ये मैं अकेले खाऊंगी तो खाएगा नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं वो सब्जियों के मसाले लेना तो भूल ही गई। हाँ तू बड़ी सब्जियाँ बना के मुझे खिलाने वाली है। हाँ तो खिलाती हूँ ना यार। ठीक है नेक्स्ट बार, जब घर जाना है नवी आवे। चलो कोई नहीं, अब बाहर से खाना, बाहर से ही खाते। खाना तू बड़ा अच्छा बना के खिलाने वाली है, ऐसी बात कर रही है ना। बैठ जा गाड़ी में, कोई जाने वाला नहीं है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं दीप्सी के ढाबे पे, देखते हैं लोग कहते हैं अच्छा खाना मिलता है, हम अभी जाते हैं देखते हैं, बाद में रिव्यू करते हैं कि कैसा खाना बनाते। आई थिंक पीयू से तो अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं फिर बोलना अभी। हाँ बोल। देखते हैं तो चलो। हम दीपसी के डब्बे पे पहुंच चुके हैं और पार्किंग में कार रख दिए, और कार मतलब पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। तो गाइस पीछे देख रहे हैं वो दीपसी का ढाबा है, इधर टोकन सिस्टम चलता है, टोकन से हिसाब से लोगों को बिठाते हैं, और इसलिए हमने टोकन पहले से ही लेके रखा है। तो हमारा पहला ही नंबर है, हमने मतलब हम पहले आ गए, अंदर जाते हैं वो लगे थे ना, इसलिए हम जल्दी आ गए। तो गाइस दीपशिखा ढाबा की शुरुआत इधर से हुई थी, ये पहले मतलब पहली ब्रांच है, इधर से स्टार्ट किया था, फिर इतना फेमस हो गया, ये दो तीन ब्रांच है मुझे मालूम नहीं, दो तो ही एक नारुल में भी है, और फिर पहले इतना ही था, अभी उसने स्पेस बड़ी कर दी है। ये पुराना है मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वो हम देखते हैं पहले कैसा लगता था, फिर बाद में उसने कैसा किया। जगह जब पहले
स्टार्ट किया था दीप्ति का ढाबा की शुरुआत इधर से ही हुई थी। तो गाइस ये वाली नई जगह इधर एक नहीं तीन तीन रसोई की मतलब होता है ना क्या बोलते हैं सीता है फिर ढाबा स्टाइल है वो नहीं वो रसोड़ों को क्या बोलते हैं तवा नहीं यार रसोई का तीन किचन है एक इधर एक वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों और नहीं हम वेज खाते हैं नॉन वेज नहीं खाते उसको बोल देता हूँ वेज में ही बनता है पर वो अवेलेबल दोनों चीज़ें हैं आप नॉन वेज खाना चाहो आप नॉन वेज भी खा सकते हो वैसे अपनी चॉइस पीछे भी किचन चल रहा है ऐसे इधर गर्मा गर्म रोटियां मिलती है रिव्यू देंगे कैसा खाना है देखते तो अच्छा ही लग रहा है लेकिन देखते और ये रिव्यू देगा ये तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया है खाना अभी आता ही होगा क्योंकि उसको बहुत भूख लगी है वो उसको हमारे घर से 40 किलोमीटर होता है लेकिन उसको 400 किलोमीटर जैसा लगा तो अभी खाना आएगा तो पूरा अकेला ही खा जाएगा तो तू पहले खा ले फिर बाद में बचेगा तो हम खा लेंगे और शर्मा रहा है ज्यादातर तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है और सभी खाने भी लगे हैं और हमने खाने में मंगाई है पनीर दुपानी ये उसका क्या तूने क्या मंगवाया है दूध सेव का साग ये वाला ये आ गया देखो और रोटी और लस्सी और बटर मिल और बस इतना ही मंगा है देखते टेस्ट करते ये उसकी का इसकी देख लो दूध सेव की ये बहुत ज्यादा फेमस है ये सब बोल रहा था त्रुष तो मुझे भी नहीं पता टेस्ट क्या है तो क्यों मंगवाई त्रुष ऐसा बोल रहा था कि यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है ये दूध सेव की सब्जी खाते हैं फिर तो गाइस खाना बहुत ही अच्छा था और कम रेट में खाना मतलब हमने 6-7 लोगों ने खाया मतलब 1400-1500 ही बिल बना और मतलब फैमिली प्लेस है आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो क्योंकि खाने का टेस्ट भी सही में बहुत अच्छा था और तू सुबह बोल रही थी ऐसी सब्जी तो नहीं बना पाती तू हाँ कोई बात नहीं मैंने मान ली हार मैंने हम त्रुष से पूछते तुझे कैसा लगा वो उसका दूध सेव का सब्जी साग क्या गुजारी में साग तेज कैसा लगा दूध सेव खाना बहुत अच्छा था और दूध सेव की सब्जी जरूर खाए और मुझे वो नाम से ही नहीं पसंद थी तो मैंने तो टच भी नहीं किया मुझे
मुझे तो बहुत पसंद है। ये ही ऐसा मुझे ये पसंद नहीं है फ्रेंड में, लेकिन रखता हूँ उसको ऐसे ही। घूम रहा है ना तू मेरे पास। जीजू कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूंगा अगर किसी को पंजाबी खाना हो वो भी ढाबा स्टाइल में तो मस्ट विजिट, आप एंजॉय करोगे फुल्ली। बोलो कैसा लगा खाना? तू तो कुछ खाती है नहीं, क्यों लागू खावा नहीं? कह दो दीपू का ना, दीप सिंह का ढाबा खावा नु क्यों? तुम एम के बहुत अच्छा, एक बार जरूर आइए। कह दो एक बार जरूर और खाना खाइए। और काला डाला खाना का गाना काला। कैसा लगा दी खाना? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है रोहन, तेरे को कैसा लगा? अरे तूने बनवाया था तो ऐसे घूम घूम के दो। कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया था खाना। कहाँ कौन सा? ये रिव्यू दे रहा है कि शर्मा शर्मा के बातें बता रहा है। और ये क्या लिया? चावल है। क्यों भिगोने? तो गाइस रियली में बहुत ज्यादा अच्छा खाना था। आपको पंजाबी टेस्ट चाहिए तो जरूर इधर आइए, इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे हम। और गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। Thank you. Thank you so much.